है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मलिक और आप देख रहे हैं द डायनामाइट मलिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट प्रोफाइल पिक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आप अपने पर्सनल ब्रांड के लिए कैसे प्रोफाइल पिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी कंपनी के लिए कौन सी प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है। आपका अगर मीम पेज है तो आपको वहाँ पर कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, अगर आपका फैक्ट पेज है तो उसमें कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, अगर आपका मोटिवेशनल पेज है तो उसमें कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह के अगर आप कोई भी निच पर काम कर रहे हैं, आप अपनी निच के हिसाब से अपनी अच्छी सी कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है आपको, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखते रहिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने प्रोफाइल पिक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं पर्सनल ब्रांड के लिए। सबसे पहले बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी मैंने इसका यहाँ पर बायो नहीं लिखा है और काफ़ी कुछ भी यहाँ पर अभी सेटअप नहीं करा है, जैसा कि बताया था मैंने, इसको करूँगा मैं बाद में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैंने प्रोफाइल बनाई है, तो आप लोगों को पर्सनल ब्रांड के लिए इसी तरह एक प्रोफाइल बनानी है। इसका देखिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी डाला हुआ है। तो ये देखिए, ये वाला जो है आप लोग मेरी प्रोफाइल पर देख रहे हैं, ये जो प्रोफाइल पर पिक डली है यही वाली पिक है। तो अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह एडिट कर लीजिए अपने प्रोफाइल के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक, ये आप लोग पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड है इसको मैंने ब्लर कर दिया है और अपना एक PNG फॉर्म यहाँ पर बना लिया है। इसमें जैसे कि ब्लर नहीं कर पाया था लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया था ब्लर बाद में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस तरह आप लोगों को अपना एक फ़ोटो लेना है और उसका यहाँ पर PNG फॉर्म बना के पीछे एक जो बैकग्राउंड है उसका आप लोगों को ब्लर करके ले लेना है। और पीछे चाहें तो आप इंस्टाग्राम रख सकते हैं या जिस भी टॉपिक पर आप काम करते हैं उस हिसाब से कोई भी अच्छा सा एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल कोई बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एडिट कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक अपना अच्छा सा एक फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को जैसा कि दिखा देता हूँ, ये आप लोग बैकग्राउंड इरेजर नाम का ये जो ऐप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हो सकता है, या फिर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड इरेजर इसका नाम है। तो इसमें जो है आप लोगों को अपना एक अच्छा सा फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। जो कर देता हूँ एक अच्छा सा फ़ोटो सिलेक्ट, तो जैसे ये मैंने फ़ोटो सिलेक्ट, आप लोगों को जो भी आपने फ़ोटो लिया है उसको सिलेक्ट करने का, यहाँ से आप क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह क्रॉप करने के बाद आप लोग यहाँ पर डन करेंगे, उसमें यहाँ पर देखिए 3-4 फ्यूचर आते हैं। तो ये ऑटोमेट का फ्यूचर है, मैजिक का फ्यूचर, मैनुअल, मैनुअल का ऐसा है आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये रिपेयर है, जहाँ गलत हो जाता है उस पर आप वापस भी कर सकते हैं। और ये देखिए ऑटो है, जैसे कि आप यहाँ ला के छोड़ेंगे तो ये पूरा साफ़ कर देगा, ऐसे कर देगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेरा मानना है आप इससे ज़्यादा अच्छा है मैजिक टूल है, इसको यूज़ करिए, क्योंकि इसमें इस तरह ये देखिए यहाँ पर ले जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये देखिए जब इसको पास से अपन ले जाते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ करते हुए लेता है, बहुत ही अच्छा ये जो है इरेज करने के लिए है। आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं इससे। तो इस तरह आप लोग बैकग्राउंड इरेज करिए, मैंने इससे ही करा था। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ से अपना लोगो एडिट करना है। उसके बाद दोस्तों, जब PNG फॉर्म बन जाए तो आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ऑन करना है। उसके बाद जब आपका PNG फॉर्म बन जाए तो आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को खोलिए, उसमें पिक्सआर्ट में आप जाके देखेंगे तो पिक्सआर्ट में आप लोगों को यहाँ पर प्लस का आइकन नज़र आएगा और यहाँ पर आप जो है कोई भी अच्छा सा एक बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड अपने हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है, यहाँ पर इस तरह आप लोगों को एक बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद ये जो टूल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्रॉप पे दबाइए। क्रॉप पे दबाने के बाद ये स्क्वायर जो आ रहा है इस पर नज़र आएगा आपको, यहाँ पर स्क्वायर पे दबाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए। स्क्वायर साइज ही होता है जो उसका लोगो का। तो यहाँ पर एड फोटो करने के बाद जो आपने फ़ोटो एड करना है जो आपने क्रॉप करा है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इरेजर नाम का फोल्डर बना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इरेजर नाम के इस फोल्डर में जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितना इजी है, यहाँ पर आप लोग इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, इस तरह आप लोग सेव कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग यहाँ पर गैलरी पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इस तरह आप लोग अपना पर्सनल ब्रांड के लिए
लोगो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह आप लोगों को अपने कंपनी ब्रांड लोगो बनाना है, अपने कंपनी के लिए प्रोफाइल कैसे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देख रहा है, ये वेबसाइट है माई ब्रांड न्यू लोगो। तो इस वेबसाइट में जाना है आप लोगों को, ये वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। जैसा मेरा पेज है एक, आप लोग जानते होंगे द ग्लेड वाइब, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट पे दबाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आप लोग कुछ स्लोगन उसका हो तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर मोटिवेशन लिख देता हूँ। मोटिवेशन लिखने के बाद आगे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन कीवर्ड यहाँ पर डिस्क्राइब करना है जो आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर तीन कीवर्ड में यूज़ करने के लिए मोटिवेशन लिख देता हूँ। मोटिवेशन क्वोट्स, तो यहाँ पर ये हट गया। मैं मोटिवेशन लिख देता हूँ, क्वोट्स लिख देता हूँ और यहाँ पर थॉट लिख देता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे दबाना है। उसके बाद यहाँ पे सरप्राइज़ मी और ये दो कलर पिक कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर पिक करना चाहते हो तो। मैं अभी यहाँ पर क्रिएट माय लोगोस पे दबा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोगों ने अभी यहाँ पर आप लोगों के लोगो आने वाले हैं, थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लोगो आ जाएंगे। तो आप अपने कंपनी के लिए यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो आप, नहीं तो फिर बना सकते हैं। पिक्सेल लैब एक ऐप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर पर देख लीजिए, तो वहाँ से आप पिक्सेल लैब के ज़रिए भी अपना लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ये लोगो हैं आप इनको अपने बिज़नेस ब्रांड के लिए अपना प्रोफाइल एज अ प्रोफाइल पिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से। तो इस तरह आप लोग अपने बिजनेस ब्रांड के लिए लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं हम मीम पेज, फैक्ट पेज और मोटिवेशनल पेजेस के बारे में। अगर इन तीनों में से आपका कोई पेज है तो भी आप यहाँ पर इस बिज़नेस से यहाँ पर देख रहे हैं माई ब्रांड न्यू लोगो डॉट कॉम जो है यहाँ से आप बना सकते हैं, ये देखिए इस वेबसाइट से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं मीम पेज लिखता हूँ, मीम अगर आपके पेज का नाम कुछ भी है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सरकास्मिक .com। मान के चलिए यही आपके पेज का नाम है और यहाँ पर आपके स्लोगन हैं वो मीम हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर आप लोगों के जो तीन इंग्लिश कीवर्ड जो आप यहाँ पर डालने वाले हो, तो मीम और इसके बाद यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कॉमेडी लिख देता हूँ, फन। तो ये मैंने तीन सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बनने वाले हैं लोगो। तो इस तरह आप लोग लोगो बना सकते हैं, अपने मीम पेज के लिए बना सकते हैं, फैक्ट पेज के लिए बना सकते हैं, मोटिवेशनल पेज के लिए बना सकते हैं। आप लोग सीख गए होंगे किस तरह बनाना है। और दोस्तों आप लोग किसी भी प्रकार का आपको कोई भी निच है आप उस हिसाब से यहाँ पर आप अपने लोगो जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं ये कुछ मीम पेजेस, यहाँ पर ये देखिए लोगो बन के आ चुके हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पेजेस के लिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये बन के आ जाते हैं, आप लोगों को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरह आप लोग अपने इंस्टा की प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आप लोग अपने किसी भी तरह के पेज के लिए किसी भी निच के हिसाब से, आप पर्सनल ब्रांड है आपका, आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, या फिर आप फेक पेज है, मीम पेज है, मोटिवेशनल पेज है, या आपका कोई भी कंपनी ब्रांड लोगो बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक ये जो मैं बोनस टिप दे रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को जिस तरह मैंने ये लोगो आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे लोगो हैं, अभी तो मैंने आप लोगों को बिज़नेस जनरेटर के हिसाब बता दिया था, आप लोग इस तरह की वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो ये मेरे लोगो देख रहे हैं, ये दो जो लोगो हैं और एक ये तीसरा लोगो, ये मैंने खुद ने बनाया है पिक्सेल लैब से। इसके लिए मैंने जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी PNGs की वो सब मैंने डाउनलोड करी। तो इस तरह आप लोग लोगो बना सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, और ख़ुद ही अगर आप लोगो प्रोफाइल बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है बिज़नेस जनरेटर के बारे में, तो आप वहाँ से भी जाके बना सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक सिलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।